इरफान खान बॉलीवुड सिनेमा पे एक बेहतरीन नाम वो यही स्टार है जो बॉलीवुड का साथ साथ हॉलीवुड पे भी धूम मचाया। दोस्तों दुखी की खबर ये है, आज इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे और ये खबर बॉलीवुड इंडस्ट्री और इरफान खान की फैंस के लिए दुखी की बात है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम द ग्रेट इंडियन एक्टर इरफान खान की जिंदगी पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और रिंग बेल भी बजा दीजिए। दोस्तों इरफान खान का पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान और उनकी स्क्रीन नेम था इरफान खान और इनका जन्म 7 जनवरी 1967 जयपुर राजस्थान में हुआ। इरफान खान पेशे से एक एक्टर और प्रोड्यूसर था। इरफान खान ने अपने कैरियर की शुरुआत पहले टीवी शो से करी और उनकी पहली मूवी था सलाम बॉम्बे 1988 में। इस मूवी पे इरफान खान को एक छोटा सा रोल मिला लेकिन इनका किस्मत इतना खराब थी कि मूवी के फाइनल प्रीव्यू में इनका रोल ही काट दिया गया और आगे इरफान खान को और भी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। इसके बाद 1990 में एक मूवी आई जिसका नाम था एक डॉक्टर की मौत। इस मूवी में इरफान खान के एक छोटा सा रोल मिला और इसके साथ साथ इनको और भी छोटा मोटा रोल किया लेकिन इन सारी मूवी में ऑडियंस ने इरफान खान को नोट ही नहीं किया। ये समय था इरफान खान की कैरियर की बुरी वक्त। उसकी कैरियर का अच्छा वक्त शुरू हुआ 2001 में जब उन्होंने द वॉरियर मूवी पे काम किया। इसके बाद 2004 में हासिल मूवी पे नेगेटिव रोल प्ले करके पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला बेस्ट विलेन की कैटेगरी में। इस मूवी के बाद इरफान खान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद 2005 में रोक, 2007 में मेट्रो मूवी के साथ साथ बहुत सारे हिट मूवी किया और 2007 में बॉलीवुड का एक्टर हॉलीवुड पे पहुंच गया। हॉलीवुड पे पहला मूवी किया जिसका नाम था ए माइटी हार्ट अंडर दार्जिलिंग लिमिटेड। इरफान खान ने अपने जिंदगी में बॉलीवुड और हॉलीवुड मिलकर काफी सारी हिट मूवीज दी है जिनका नाम है स्लमडॉग मिलियनेयर, न्यूयॉर्क, सात खून माफ, लाइफ ऑफ पाई, पीकू, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, जुरासिक वर्ल्ड, इन्फर्नो और उनकी जिंदगी का आखिरी मूवी था अंग्रेजी मीडियम। दोस्तों इरफान खान को अपने जिंदगी में बहुत सारे आईफा, जी सिने और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 2011 में इंडियन प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल की तरफ से इरफान खान को पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था। दोस्तों इस 20 अप्रैल 2020 पे एक खबर आई थी कि इरफान खान की सेहत अचानक बिगड़ने से उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। बाद में पता चला उन्हें कोलन इन्फेक्शन हुआ इसीलिए हॉस्पिटल भर्ती हुआ और इस 29 अप्रैल 2020 में सुपरस्टार इरफान खान हम सबको रुलाकर कैंसर के साथ जंग हार के चला गया। तो दोस्तों आपको इरफान खान कैसे लगते थे हमें नीचे कमेंट करके बताइए और आपको इरफान खान की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है नीचे कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों यही था हमारा वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। धन्यवाद।